करनाल में गुरुद्वारा लंगर माता साहिब देवा जीटी रोड बाईपास में लोहड़ी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संत बाबा जोगा सिंह ने लोहड़ी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह खुशियों का पर्व है जिसे सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपसी वैर विरोध हमें इस दिन भुला देने चाहिए। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के हालात इस समय चिंतनीय हैं। इस तरह के हालात में देश के सभी निवासियों को हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास बाबा जोगा सिंह जी टी रोड बाईपास नानकसर लंगर माता साहिब देवा करनाल तो देशा विदेशा विच और इलाकों विच हरियाणा पंजाब और सारे इलाकों विच वस रहे गुरसिख माई भाई पूरे विश्व संसार नूं लोहड़ी दियां बहुत बहुत मुबारकबादां वधाइयां दिंदा हां। हैप्पी लोहड़ी। नाल नाल कल संगरांद का पवित्र दिहाड़ा है, मुक्तसर माघी का मेला 40 मुक्तियां की याद विच भाई महां सिंह जिन्हां ने महान कुरबानियां करके धन माता भाग कौर जी जिन्हां ने 40 सिंघां नूं नाल लै के खबराने की जंग ते बहुत वड्डी जंग लड़ के और गुरु साहब दीआं खुशियां प्राप्त कीतियां प्राणा की आहुती दे के सतगुरु जी नूं प्रसन्न किया। गुरु साहब प्रसन्न हो के जदों भाई महां सिंह जी दे कोल गए उन्हां दा पट ते शीश धर के कपड़े नाल रुमाल पुंझिया ते कहा महां सिंघां मंग दुनिया दा राज दे दिआं जो चाहवें तेरे ते गुरु गोबिंद सिंह तुठा। पर भाई महां सिंह ने कहा महाराज भुल बड़ी वड्डी होई असी जिहड़ा बदावा लिख के दे के आया आनंदपुर साहब तुसी साडे गुरु नहीं असी तुहाडे सिख नहीं कृपा कर दिओ हुण बदावा पाड़ दिओ तां असी सचखंड विच पहुंच सकदे हां। ते गुरु साहब बहुत प्रसन्नता दे घर विच आए कहण लगे महां सिंघां सरसा दी पेट बहुत कुछ हो गया साहब ज्यादे शहादतां दे जाम पी गए माछीवाड़े दे जंगलां विच जामा लीरो लीर हो गया पर एक अमर कसे वे तेरा बदावा सामग रखिया सामने करके मारे ने बदावा पाड़ता टुटी गंढी। बहुत वड्डा पवित्र दिन है और ये जो लोहड़ी का त्यौहार बहुत खुशियां नाल सारा देश मनाता है। महाराज ने कईयां नूं पुत्रां दीआं दातां दित्तियां हुंदियां ने वो बड़ी धूमधाम नाल लोहड़ियां मनाउंदे ने वड्डे वड्डे खुंडां ते अग्गां बाल के रयोड़ियां मूंगफलियां वरतांदे ने और ये खुशी का त्यौहार है। आओ सारे रल मिल के जातां पातां इन्हां तों उत्ते उठीए और धर्म कर्म दे विच कायम होइए क्योंकि गुरु नानक साहब का संदेश है मानस की जात सब है एक ही पहचान बो। अज जिहड़ी दलदल विच असीं धसदे जा रहे हां ऊच नीच जात पात शूद्र इन्हां सारियां गल्लां नूं गुरु नानक साहब ने खंडन किया और सतगुरां ने कहा क्षत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वरना को सांझा क्योंकि मानस की जात सब है एक ही पहचान बो। अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौ बंदे। अज सवेरे मैं सुन रहा सा टीवी विच व्याख्यान आ रहा सी वड्डे वड्डे विद्वाना दा छत्तीसगढ़ दा मुख्यमंत्री कह रहा सी बई उस वेले जदों कनेडा विच इंग्लैंड विच शिकागो विच गए साडे बहुत महान जरनैल देश दे ते उन्होंने एको गल कही 999 नदियां चलदियां ने जिन्हां दी तांग समुद्र तक हुंदी है समुद्र विच जाके मिल के एक रूप हो जांदियां ने। इसे तरह इस देश दी खूबसूरती है इस देश विच तरह तरह दी फुलवाड़ी है पर आन बान शान देश वास्ते कुरबानी लई सारे तत्पर हो जांदे ने भावें कोई हिंदू है भावें कोई मुसलमान है भावें कोई सिख है भावें कोई ईसाई है देश प्रति इन्ना प्यार इन्ना जज्बा है जिथे देश वास्ते आन बान शान की जरूरत पैंदी है उत्थे छातियां डाह के खड़ जांदे है। सो आओ अज जिहड़े धर्मां विच वाद विवाद आ जिहड़े रोले रप्पे राजनीतिक लोकां ने पाए ने इन्हां तों उत्ते उठीए असीं सारे भरा हाँ सारे भैण भरा माता पिता सब नूं वड्डियां नूं माता पिता नूं सत्कार दिओ छोटियां भैणां समझो और वड्डियां नूं भरा समझो। अज देश विच जिहड़ियां लानतां पैदा हो रहियां ने आ बलात्कारी पैदा हो गए छोटियां छोटियां उमरां दे बच्चे इस गलत कर्म विच पै गए आ संगत जी इस सब तों वड्डा दोष साडे ही वड्डियां दा है। जे माता पिता दा सती जीवन होएगा जे माता पिता दा उच्चा जीवन होएगा ते कदी इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं होएगी। जदों माता पिता नूं आपदे वड्डियां नूं वेखदे ने क्लबां विच जांदियां नूं और इवें दे कारो इवें दे
ਆਚਰਨਹੀਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਭੈ ਕੇਸ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀਏ, ਪਹਿਰੇ ਦਈਏ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਈਏ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਈਏ, ਧਰਮੀ ਬੱਚੇ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ 100% ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਈਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਹੋ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਉਸੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਵੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਸ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਛਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।